गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में एक नए ऐसे का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे के कई वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप उनको देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए। तो आइए आज हम लोग एक नए से पॉल्यूशन पर, पॉल्यूशन को स्टडी करेंगे। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, उसकी कैसे रोकथाम की जाती है, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, इसकी हेडिंग है ऐसे की पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में होता है प्रदूषण। अब सबसे पहले आप जानते हैं कि जो भी ऐसे लिखा जाता है तो इंट्रोडक्शन लिखा जाता है इसका। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में है कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टूडे। कह रहे हैं कि द प्रॉब्लम पॉल्यूशन, प्रदूषण की जो समस्या हैज बिकम वेरी सीरियस टूडे, आज बहुत गंभीर हो चुकी है। मैन हैज इंटरफियर टू मच विथ नेचर। इंटरफियर मीन्स होता है हस्तक्षेप करना, और नेचर मीन्स प्रकृति। कह रहा है कि मैन हैज इंटरफियर टू मच विथ नेचर, कह रहा है मनुष्य ने प्रकृति के साथ अत्यधिक हस्तक्षेप किया है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स एयर, कह रहा है कि पर्यावरण जिसमें इंक्लूड रहता है, सम्मिलित रहता है, क्या सम्मिलित रहता है, एयर, हवा, वाटर, पानी, सॉयल और मिट्टी, इटिस मतलब एक्सेट्रा। कह रहे कि पर्यावरण जिसमें हवा, पानी और मिट्टी सम्मिलित रहती हैज बीन पोल्यूटेड, वह प्रदूषित हो चुकी है। इफ एनवायरमेंट इज पोल्यूटेड, यदि पर्यावरण प्रदूषित होता है, ऑल लाइफ, तो सारा जीवन, कौन 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 जीवन, ह्यूमन, मनुष्यों का जीवन, एनिमल, जानवरों का, एंड वेजिटेशन, और वनस्पतियों का जीवन, इज अफेक्टेड, प्रभावित हो जाता है, डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब यदि पर्यावरण प्रदूषित होता है तो सारा जीवन, सभी लोगों का जीवन, चाहे मनुष्यों का हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे वनस्पतियों, सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। अब देखिए, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन जो है दमदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि एग्जाम में प्रत्यक्ष में जान जाए कि नहीं बाकी ऐसे में कैसा होगा। तो इंट्रोडक्शन के बाद है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार है इसको मेंशन करना पड़ेगा। देखिए, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, करें कि प्रदूषण के कई प्रकार हैं, सच है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन मतलब जल प्रदूषण, और नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। ये तीन मेन प्रदूषण हैं। देखिए, पहला है, अब एयर पोल्यूशन के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इसमें। देखिए, एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कास्ट बाय द स्मोक। जो एयर पोल्यूशन होता है, मोस्टली अधिकांशतः कास्ट, अधिकांशतः उसका कारण क्या होता है, बाय द स्मोक, धुएं, धुआं होता है, और कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, और जो कहां से निकलता है, फैक्ट्रियों की चिमनी से, और कहां से, मिल्स, मिलों की चिमनी से, और वर्कशॉप या वर्कशॉप अर्थात कार्यशालाओं की चिमनी से, फैक्ट्री से, मिल से और वर्कशॉप से जो धुएं निकलते हैं उससे एयर पोल्यूशन होता है। मिल्स, कह रहा है कि मिल्स प्रोड्यूसिंग केमिकल्स एंड एसिड, कह रहा है कि मिलों से प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न होने वाला केमिकल एंड एसिड, केमिकल और एसिड गिव आउट सच ए फॉल स्मेल, इतनी गंदी दुर्गंध देते हैं, दैट की इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीद, कि सांस लेना कठिन हो जाता है। ब्रीद में सांस लेना, फॉल स्मेल मैंने दुर्गंध। कह रहा कि मिलों से निकलने वाला जो केमिकल और जो एसिड है, इतना फॉल स्मेल देता है, इतनी दुर्गंध देता है कि सांस लेना कठिन हो जाता है। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण में कास लंग डिजीज, वायु प्रदूषण से लंग डिजीज होते हैं, मतलब फेफड़े की बीमारियां, अस्थमा होता है, आई फ्लू, आई फ्लू होते हैं, मतलब आंखों की बीमारी होती है, हेडेक और सरदर्द होता है। अब आइए देखते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में, जल प्रदूषण। देखिए, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जल जो होता है इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार होता है, बेसिस मीन्स आधार। बट लेकिन ग्रीड ऑफ मैन, ग्रीड मीन्स द लालच, बट द ग्रीड ऑफ मैन, लेकिन मनुष्यों की लालच, टू गेट मोर एंड मोर मनी, अधिक और अधिक पैसे प्राप्त करने की, अर्थात अधिक और अधिक पैसे प्राप्त करने की मनुष्यों की लालच ने पोल्यूट्स इट, इसे क्या किया है, प्रदूषित कर दिया है। करें कि द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, करें कि जो जो इंडस्ट्री के ओनर होते हैं, अर्थात जो उद्योगों के मालिक होते हैं, डंप वेस्ट मटेरियल, करें कि वे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं,
उनको डंप करते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा करने लगते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द रिवर, नदी की सतह पर या नदी के पास जो है, जो इंडस्ट्री के ओनर होते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको नदी के पास जो है इकट्ठा करने लगते हैं। सो इस प्रकार वाटर इज पॉल्यूटेड, पानी प्रदूषित हो जाता है। पीपुल यूज दिस पॉल्यूटेड वाटर, और लोग क्या करते हैं कि दिस पॉल्यूटेड वाटर, इस प्रदूषित पानी को यूज करते हैं, अर्थात इस प्रदूषित पानी का प्रयोग करते हैं एंड इन्वाइट अ नंबर ऑफ डिजीज, और ढेर सारी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। वाटर पोल्यूशन रिजल्ट्स इन द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, कह रहा है कि वाटर पोल्यूशन का परिणाम क्या, वाटर पोल्यूशन का परिणाम होता है क्या, इन द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, मतलब वाटर पोल्यूशन से आउटब्रेक ऑफ कॉलरा अर्थात कॉलरा फैलता है एंड अदर वाटर बॉर्न डिजीज, और दूसरी जल जनित बीमारियां फैलती हैं, मतलब जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां फैलती हैं। आइए अब अगला देखते हैं, नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पॉल्यूशन इज डेंजरस टू लाइफ, जो ध्वनि प्रदूषण होता है इज डेंजरस टू लाइफ, वह जीवन के लिए खतरनाक होता है। इट इज सेड, यह कहा जाता है दैट की मोर नॉइज, अधिक शोर काजेस डीफनेस, अधिक शोर जो है डीफनेस का कारण बनता है, डीफनेस मतलब बहरेपन का, अधिक शोर जो है बहरेपन का कारण बनता है एंड अदर डिजीज, और दूसरी बीमारियों का कारण बनता है। इन लार्ज सिटीज, बड़े शहरों में द रोर ऑफ व्हीकल, कह रहा है कि वाहनों का शोर इज अनबियरेबल, असहनीय होता है। अनबियरेबल का मतलब असहनीय, कह रहा है कि बड़े शहरों में जो वाहनों का शोर है, मतलब इतने वाहन होते हैं कि उसको उसकी ध्वनि जो है असहनीय हो जाती है। इफ वन, यदि कोई व्यक्ति स्टैंड्स एट सम बिजी सेंटर, किसी व्यस्त जगह पे खड़ा है, तो वन वन का मतलब किसी व्यक्ति के लिए, तो वह व्यक्ति जो है फाइंड्स कार, कार को पाता है, स्कूटर को पाता है, बसों को पाता है, ट्रक को पाता है एंड अदर ऑटोमोबाइल्स, और दूसरे ऑटोमोबाइल्स को पाता है पासिंग देयर विद इन सेकेंड, जो कि कुछ ही सेकेंड में वहां से गुजरते हैं। उसका कहने मतलब यदि कोई व्यस्त स्थान पे खड़ा है, व्यस्त सड़क पे खड़ा है, व्यस्त जगह पे खड़ा है, तो वह कुछ ही सेकंड देखता है कि बहुत सारे वाहन जो है वहां से, कार है, स्कूटर है, बस है, ट्रक है, ये सब गुजर रहे हैं। देयर इंजन्स एंड हॉर्न्स, करेक्ट, उनके इंजन और उनके हॉर्न क्रिएट नॉइस पोल्यूशन, ये जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। विच इज वेरी हार्मफुल, जो बहुत हानिकारक होता है फॉर पीपुल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, लोगों के फिजिकल शारीरिक एंड मेंटल और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। ध्वनि प्रदूषण जो है व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब ये तो हो गया कि वाटर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी, जो प्रदूषण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, अब इनका प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे की जाए, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। प्रिवेंशन मींस रोकथाम, मतलब इसकी रोकथाम कैसे की जाए, कैसे पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। देखिए, टू चेक दिस पॉल्यूशन, इस प्रदूषण को रोकने के लिए देयर शुड बी अ प्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहता है कि एक प्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। प्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब एक एक नियोजित औद्योगिकरण, पेंड इंडस्ट्रियल मतलब नियोजित उद्योगीकरण की कहाँ उद्योग लगना चाहिए, उसके वेस्ट मेटेरियल जो है कहाँ कैसे कैसे उसका निस्तारण होना चाहिए। कह रहे कि द डेब्रिज ऑफ इंडस्ट्रीज, कह रहे कि जो इंडस्ट्री जो उद्योगों के जो अवशेष होते हैं, अवशेष का मतलब अवशिष्ट, सॉरी, अवशिष्ट होते हैं, द डेब्रिज ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के जो अवशिष्ट होते हैं, शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसे उसे भूमि की सतह पर डंप नहीं करना चाहिए, आर या इन द रिवर्स या नदियों में, जो उद्योगों से निकलने वाले जो अवशिष्ट होते हैं उनको पृथ्वी की सतह पर या नदी में उनको एकत्रित नहीं करना चाहिए। इट शुड बी डिस्ट्रॉयड, इसको नष्ट किया जाना चाहिए बाय द यूज ऑफ सुटेबल केमिकल, उचित केमिकल का प्रयोग करके। देयर शुड बी नो डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई या पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। पीपुल शुड नॉट डंप डोमेस्टिक वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, कह रहा है कि लोगों को शुड नॉट डंप डोमेस्टिक वेस्ट, कह रहा है घरेलू अवशिष्ट पदार्थ जो है ऑन द स्ट्रीट, गलियों में या सड़कों पर एकत्रित नहीं करना चाहिए। वी शुड रिमेन अकीन टू नेचर, हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अब लास्ट में देखिए, सबसे पहले लिखा जाता है इंट्रोडक्शन, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है, निष्कर्ष, पूरे इसका जो एसे है उसका निष्कर्ष क्या है। देखिए, कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, कह रहा है कि कीपिंग इन माइंड, मस्तिष्क में रखते हुए द सीरियसनेस में तो गंभीरता ऑफ द प्रॉब्लम, कह रहा है इस समस्या की गंभीरता को, मतलब इस समस्या की गंभीरता को मस्तिष्क में रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कह
तरह कि भारत सरकार ने है सेटअप डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट। भारत सरकार ने क्या क्या किया है, सेटअप स्थापित किया है द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, मतलब पर्यावरण विभाग स्थापित किया है टू कंट्रोल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रोकने के लिए। द पीपुल ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, कह रहे कि द पीपुल ऑफ द कंट्री देश के लोगों को शुड कोऑपरेट, शुड ऑल्सो कोऑपरेट, देश के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए विद द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। और इसी क्रम में फ्रेंड जो है स्वच्छता अभियान इस पॉल्यूशन को दूर करने में काफी सहायक है, परीक्षा में आप इसको जो है मेंशन कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ कि ये ऐसे आपको समझ में आया होगा, परीक्षा में आएगा तो आप ज्यादा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भी जो ऐसे की वीडियोज हैं आप उनको देख लीजिए, काफी हेल्पफुल होगा।